ये सारे केले कितने के होंगे? सारे केले 1 साल 1 साल सामान निकला आपका? नहीं सर। कितनी खुशी हो रही है? बस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, हमेशा की तरह। दोस्तों ये एक सेवा की वीडियो है, इसमें जो हम आज सेवा करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्यारी। इतनी प्यारी कि मतलब आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे साथ मेरे सन्नी भैया जो कि मेरे अपार्टमेंट में रहते हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं। भैया आज की वीडियो मतलब लोगों को पसंद आनी चाहिए और मतलब इस कदर की लोग ना दबा के शेयर मारे। बिल्कुल भैया, आप नेक काम करने जा रहे हैं तो उसमें शेयर तो बनता ही है, लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। दोस्तों इतना प्यारा काम करने जा रहे हैं, देखो लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करोड़ों लोग करते हैं, हम करेंगे कुछ अलग स्टाइल में। भैया और मैं जा रहे हैं छावला की ओर। छावला है द्वारका के पास, वहां पे हम बता दूंगा तो मामला मतलब फीका पड़ जाएगा, तो आप ना वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। और ये वीडियो इतने अच्छे लेवल पे शेयर करना कि जो लोग देखें उसमें से 30% लोग इस काम की शुरुआत कर दें। करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से करने जा रहे हैं महीने में एक बार ऐसा कर दें, आपका दिल खुश होगा और आपको लगेगा आपने बहुत ही प्यारा काम किया और आपका दिन बहुत प्यारा जाएगा। क्यों सन्नी भैया? बिल्कुल भैया, बिल्कुल स्टार्ट करें भैया। बिल्कुल भैया। तो भैया आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, भैया में पूछेंगे छावला, छावला में हम जाएंगे हनुमान मंदिर के पास और वहां पे अभी नहीं बताएंगे, अभी आप चलो हमारे साथ साथ और वीडियो को वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ये नीचे आ रहा। और हाँ, भैया के बेटे का भी पेज है। भैया किस नाम से आपके बेटे का? भैया उसका नाम है टेक अमन। टेक अमन, मैं साइड में लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, वहाँ छोटे भाई को फॉलो कर लेना। भैया का बेटा इतना माइंड का तेज है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब वीडियो को देखो, पसंद करो और कहोगे सन्नी भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत तरीके से किया है। और हमें यहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं हमें वहाँ पे फोन बचा के चलना पड़ेगा, जगह ही ऐसी है, पर्स बचा के चलना पड़ेगा और बहुत कुछ, ठीक है? जो भाई समझ गए हैं इशारा काफी है, सही है। शानदार सा नजारा देख सकते हैं आप, रात का, रात में तो ये जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक और खौफनाक लगेगा। ये रोड पे ही हनुमान मंदिर है, इसी जगह पे भी है। सटा हुआ इलाका है चावला। तो हम पहुंच गए हैं छावला हनुमान मंदिर के पास। ये छोटे भाई केले कैसे दिए? 60-50। ये सारे केले कितने के होंगे? सारे केले 1500 रुपए। डन करो, दे दो। मेरा इनाम है। कभी एक साथ इतना सारा सामान निकला आपका? नहीं सर। कितनी खुशी हो रही है? अच्छा, ये जो अभी आप खुले में बैठे हो यहाँ पर, इतने सारे बंदर आसपास बैठे हुए हैं, तो ये आप नहीं तो इस पर आते हैं? नहीं, बट्टा नहीं मारते इसके ऊपर? अच्छा, उठा के लेंगे क्या? क्या आप कुछ रखते हो अपने पास में, डंडा वगैरह, ताकि इनको? नहीं, चलो भैया
क्या नाम है आपका? बिंदेसर नाम है। बिंदेसर नाम बिंदेसर भाई बता रहा है यहाँ पे अभी कुछ बंदरों में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, इसके चलते वो सारे ग्रुप आ गए, सारा ग्रुप आ गया, ग्रुप बटा हुआ है यहाँ पे बंदरों का, ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों लड़े हुए हैं, गुस्से में है, तो वो चीज ठीक नहीं थी। यहाँ पर हम आगे जाएंगे अब, और आगे जाकर ये सारे अपने चीज ले लिए हैं। अभी और सामान आ रहा है, आगे बता रहे हैं भाई, आगे बहुत सारे बंदर हैं और इस तरफ भी हैं, जहाँ जहाँ में मिलेंगे वहाँ पे भैया और मैं डोनेट करते चले जाएंगे। आगे गाड़ी में कोई बंदर तो नहीं भाग के आ जाएगा? ये दोनों ये बहुत गुस्से में है, आप देखो बहुत ज्यादा गुस्से में है, खासतौर पे ये वाला भाई। भूख लग रही थी बहुत तेज। और दो भैया और दो। यहाँ के एरिया में जितने बंदर थे सबको हमने पेट भर के केले खिला दिए, और भी बहुत सारे केले बच गए हैं। अब आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर हमें आगे बंदर नजर आए तो हम आगे भी डोनेट करेंगे, और नहीं मिलते तो फिर जितने भी रास्ते में रिक्शे वाले भाई मिलेंगे, रेडी वाले भाई मिलेंगे, उनको हम ये केले डोनेट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ही जगह पर एक ही बंदर के पास अगर 15-20 केले रख देंगे तो वो खाएगा नहीं, 2-3 खा के छोड़ देगा, और गाड़ियाँ निकलती रहती हैं यहाँ से, फिर वो गाड़ी के नीचे आकर सारे केले ख़राब हो जाएंगे। तो जितनी इनको भूख थी उतना हमने इनको दे दिया, और अच्छे से पेट भर के खाया उन्होंने। अब आगे की ओर निकल चुके हैं। ये लो। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? के हाथ में क्या हुआ? दवाई रिएक्शन कर गई थी। ओहो, ये कब की बात है अंकल जी? 20-25 साल हो गए, उसके बाद ये मेहनत करते हो आप, सारे काम कर लेते हो, हैं भैया कितनी हिम्मत वाली बात है। उंगली नहीं अंकल की, रिएक्शन कर गई थी दवाई, ये इसके चक्कर में डॉक्टर ने काटनी पड़ गई उंगली। कहाँ रहते हो अंकल जी आप? पटियाला में रहते हो, वो सारे काम कर लेते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं हाथ में? ये अंकल बच्चों को खिलाना। तो दोस्तों यहाँ भी रस्ते में भी हमें जो भाई दिखे उनको हमने केले डोनेट किए। अब बाकी सेवा हमारी स्टार्ट होगी, बाकी जो सेवा रह गई है वो हम करेंगे समाप्त अपनी सोसाइटी के पास। तो बस पहुँचने वाले हैं सोसाइटी में, गाड़ी खड़ी करेंगे पार्किंग में, उसके बाद आसपास में आसपास जितने भी घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रेंट पे रहते हैं, उनको हम ये केले डोनेट करेंगे। भैया आज का दिन अच्छा चला गया, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया गया भैया, और सच बोलूँ तो मतलब अपने आप को पूरा ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा काम हुआ है आज से। बहुत बढ़िया।
और दोस्तों मैं सन्नी भैया का परिचय दे दूं, भैया क्या काम करते हैं, मेरे से बढ़िया अच्छे ढंग से भैया बता पाएंगे। भैया क्या वर्क है अपना, बताओ जनता। भैया मैं विप्रो में काम करता हूँ, इमिग्रेशन टीम के अंदर। ओके, सो जो भी लोग बाहर जाते हैं उनका सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए मेरी टीम का होता है। ओहो, मतलब किसी को वीजा की दिक्कत आएगी तो आप बैठे हो। हाँ भैया। क्या बात है, ये अंदर के रास्ता आज बताए वो भी कैमरे के सामने। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर लेना भाई, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ही आ रहा, इसको भैया की जरूरत पड़े, वीजा में दिक्कत आ रही हो तो भैया से संपर्क करें, वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ही आ रहा, मैसेज कर देना, सन्नी आनंद भैया का नाम है, टैग कर देना मेरे मैसेज पे कि भैया से बात करनी है वीजा के रिगार्डिंग, काम हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना भैया। हाँ भैया, कोशिश पूरी करेंगे और हो ही जाएगा भगवान ने चाहा। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये लगा दिया पार्किंग में, कोशिश पूरी यही करेंगे कि बच्चे लाइन से लगें, महिलाएं लाइन से लगें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी आपको पता है जब कोई सामान हम डोनेट करते हैं तो कुछ लोग मानते नहीं है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पूरी कोशिश करूंगा बच्चे लाइन से लगे, सब आराम से सबको मिले, सारा सामान मिले। बाकी